মা হয়ে গেছে মেয়ে আর বাবা হয়ে গেছে ওর ছেলে, তাহলে তোর একটা ছেলে আর একটা মেয়ে, পুরো মেয়ে আর পুরো ছেলে। तो दोस्तों देखो मैं अभी बनाऊंगी मैंगो पिकल। ये है मैंगो, इसको मैंने हल्दी और नमक दे के सुखा लिया है दो दिन, और ये है गुड़, गुड़ दे के पकाएंगे। और भी मैंगो है, सिर्फ ये नहीं, और भी ढेर सारा मैंगो कट करके ऐसे ही मैंने रख दिया है, वो भी पकाएंगे इसके साथ ही। मेरा वो जो एक बड़ा सा बर्तन था ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे जब मैंने आई थी कहाँ पर मैंने रख दिया है, मुझे यहाँ से टोटल आउट हो गया, इसीलिए मैं ये हाड़ी में ये जो मैंगो का पिकल है वही बनाऊंगी, क्योंकि वो बर्तन मैंने इतना ढूंढी नहीं, मुझे नहीं मिला, कहाँ पर रख दिया है क्या मालूम, याद ही नहीं आ रहा है कहाँ पर वो बर्तन मैंने रख दिया। यहाँ पर हाँड़ी में मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है, क्योंकि नहीं तो डायरेक्ट गुड़ देने से ना गुड़ जल जाएगा, इसलिए थोड़ा सा पानी मैंने इस हाँड़ी के अंदर डाल दिया है। इसके बाद मैं ये जो गुड़ है गुड़ इसके अंदर डालूंगी। मैंने दिया है थोड़ा ऑयल, रिफाइन ऑयल, और उसमें दिया है 4 ड्राई रेड चिली, और जो 5 फोड़न होता है वो जो सभी मसालों को मिक्स करके जो देते हैं उसको तो 5 फोड़न कहते हैं, तो वही 5 फोड़न मैंने दिया है, और थोड़ा सा सौंफ दे के अभी मैं थोड़ा फ्राई करके ये जो मैंगो है ये इसमें डाल के चला लेंगे, और इसके बाद मैं जो गुड़ वहाँ पर रखी है थोड़ा सा पानी दे के उसमें उसको गर्म कर लिया है वो इसमें दे के अच्छी तरह से मिला लेंगे।
अभी मैं ये मैंगो जो है ये तेल के अंदर दे दिया है और अच्छी तरह से इसको मिला लेंगे। अभी ये जो गुड़ मैंने पानी में मिला के रखी थी अभी ये मैंने इसके अंदर डाल दूंगी, वो जो मैंगो है उसके अंदर मैं डाल दूंगी। यहाँ पर मैंने ड्राई रोस्ट का मसाला ले लिया है। यहाँ पर लिया है मैंने थोड़ा सा वो साबुत जो धनिया होता है, धनिया सूखा हुआ, 5 ड्राई रेड चिली और सौंफ। इसको अब मैं ड्राई रोस्ट करके तो मिक्सर में वो क्या बोलता है उसको पाउडर बना लेंगे। तो मेरा अचार रेडी हो गया। मैंने वो जो ड्राई रोस्ट किया था मसाला वो भी यहाँ पे दे दिया है।